एक ऐसा बिजनेस जहां आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, कोई लॉस नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं है, कोई सेल्स जनरेट नहीं करना, और ये आप फ्री टाइम में कर सकते हैं और हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कमा सकते हैं। कमाई करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला होता है किसी के अंडर एक जॉब कर लो, या तो अपना एक खुद का बिजनेस कर लो। काफ़ी लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगाएगा कौन? इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन लॉस भी हो सकता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं जॉब करना। पर क्या कभी आपने ये सुना है कि जॉब करते करते एक इंसान करोड़पति बन गया? नहीं ना, करोड़पति वही इंसान बनता है जो बिजनेस करता है। बिजनेस का एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करना या तो फ्रेंचाइज ओनर बनना। फ्रेंचाइज ओनर यानी कि आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी या ब्रांड जैसे कि मैकडोनल्ड्स, H&M एक्सेट्रा, इनका एक फ्रेंचाइज ओन करते हैं। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट का ये फंडा होता है कि ओनर 3% काम करेगा और 97% उनके अंडर काम करने वाले उनकी टीम करेंगे। अब ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास में उतना पैसा नहीं होता, और फ्रेंचाइज उन्हीं कंपनी का लिया जाता है जिनका ऑलरेडी एक अच्छा नाम बन गया हो मार्केट में। पर एक ऐसी कंपनी भी है जहां हम बिजनेस कर सकते हैं बिना कोई पैसे लगा के, बिना कोई लॉस बेयर करें, कोई टारगेट नहीं होता कंपनी में, कुछ बेचना नहीं होता और फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। हम हर महीने डेली यूज के प्रोडक्ट्स जैसे सोप, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट, डिश वॉशिंग लिक्विड, हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक, ये सारे सामान हम रिटेल शॉप्स या सुपरमार्केट से खरीदते हैं, तो क्या कभी किसी दुकानदार ने आपसे ये कहा कि आप हर महीने हमसे हजारों का सामान खरीदते हैं, सर हमारी तरफ से ये आपके लिए 1000 रुपए? नहीं कहा ना, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम बस उन्हें पैसे दे के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और घर ले आते हैं। कैसा रहेगा अगर आप यही सारे डेली यूज के प्रोडक्ट एक कंपनी से लें, महीने की लगभग 3000 की शॉपिंग करें और आपको पलट के 30000 रुपए आने लगे, आपको पलट के 3 लाख रुपए आने लगे या 30 लाख आने लगे? आप लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप सिर्फ महीने के 3000 या जितना भी आपको मन कर रहा है उतने की शॉपिंग करके अगर पलट के इतने सारे पैसे अगर आने लगे तो हर इंसान को खुशी होगी। मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, आपको सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है। बेचना हमारी पर्सनल विश है। अगर आपका मन है तो आप बेच सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चाय, तेल, पेस्ट, ये सब खरीद के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कि आटा, दाल, चावल, ये सब खरीद के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस चीज को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पैसा जनरेट किया जा सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, राइट? सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर लूँ। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर होते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं हमारा सारा सामान खरीदने, रिटेलर अपना सामान एक होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट के पास जाता है और CNF एजेंट कंपनी के पास जाता है सारी चीज़ें खरीदने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर एक कंपनी 40 रुपए में मैन्युफैक्चर करती है तो वो हम तक आते आते 100 रुपए का बन जाता है, क्योंकि बीच में इन सभी लोगों को पैसा एज अ कमीशन जाता है। हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है TV, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सब में एडवर्टाइज देख के। तो यानी करोड़ों का पैसा इन बीच के लोगों में खर्च कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि हमारा ही हार्ड अर्न मनी इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन क्या कभी किसी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है कंपनी से, जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तो क्या उसकी क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट होती है? नहीं ना। तो ये बिचौलियों को पैसा क्यों दिया जाए? अब मैं आपसे बात करूंगी डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट वही 40 रुपए में ही मैन्युफैक्चर होता है और हमें मिलता है 100 रुपए में, बचे बीच में 60 रुपए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर पैसा जनरेट हो सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। ऐसा करोड़ रुपए जो इन लोगों पे खर्च होता था वो हम बचाते हैं। हम एक प्रोडक्ट को सीधा कंपनी से कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, यानी कंपनी टू कस्टमर, और यही बीच का पैसा हम लोगों को वापस मिल जाता है एक बिजनेस प्लान के द्वारा, और इसी को कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करती हूँ तो लोगों के दिमाग में एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन गई है। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आती है, लोगों से पैसे लूट के चली जाती है। पर ऐसा है नहीं, कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, बस एक दो कंपनी जो गलत काम करती है उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो जाता है। बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर साल कम से कम 30 से 40% मिलियनेयर्स प्रोड्यूस करती है।
यानी 30-40% जो करोड़पति बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बनते हैं। ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां हम बिना कोई पैसा लगा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।